एच आर एनािटिक्स इसको कहीं कहीं पे टैलेंट एनालिटिक्स या फिर पीपल एनालिटिक्स या फिर वर्कफोर्स एनालिटिक्स भी कहा जाता है देखिए एनालिटिक्स होता क्या है एनालिटिक्स मतलब कि एनालिसिस करना यानी किसी चीज़ को एग्ज़ामिन करना तो जब आप स्टेटिस्टिकल टूल्स और डिफरेंट मेथड्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई डेटा को एनालाइज़ करते हैं तो उसी चीज़ को एनालिटिक्स कहा जाता है क्लियर तो एच एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करते हैं एनालाइज़ करते हैं स्टेटिस्टिकल टूल्स और मेथड का यूज़ करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तो वही चीज़ एच आर एनालिटिक्स कहलाती है क्लियर अभी आपसे पूछा जाए कि हाउ हाई इज योर एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट यानी कि आप सपोज करिए आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं और आप जो है एचआर मैनेजर हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कितना ज्यादा है या फिर आपसे पूछा जाए कि विच एम्प्लॉय विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ ईयर यानी एक साल के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन छोड़ के जाएगा तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो एचआर एनालिटिक्स से पता किया जा सकता है तो एच एनालिटिक्स क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन दर रिलेटेड डेटा यूजिंग स्टेटिस्टिकल टूल्स मैथड एंड टेक्नोलॉजीज तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि द प्रोसेस बाई विच स्टेटिस्टिकल टूल मैथड्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर एनालाइजिंग हिस्टोरिकल एंड एचआर डेटा यानी कि जो एचआर डेटा है चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे करंट डेटा हो उसको जब आप एनालाइज करते हो क्यों एनालाइज करते हो इन ऑर्डर टू गेन न्यू इनसाइट एंड इंप्रूव स्ट्रेटिक डिसीजन मेकिंग यानी कि जब आप जो है एचआर से रिलेटेड करंट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करेंगे स्टेटिस्टिकल टूल्स मेथड और टेक्नोलॉजीज का यूज करके तो आपको नई नॉलेज मिलेगी डीप नॉलेज मिलेगी अपने ह्यूमन सोर्स से रिलेटेड और उसके बेसिस पर आप जो है स्ट्रेटिक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे जैसे कि एम्प्लॉई परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है या फिर एम्प्लॉय रिटेंशन को जो है इंप्रूव करना है एम्प्लॉय टर्न ओवर के रेट को घटाना है या फिर कोई छोड़ के जाने वाला है वो वैल्यूबल है आपकी कंपनी के लिए उसके जाने से आपको लॉस हो सकता है तो उसके टर्न ओवर को उसके उसको रोकना है कि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए तो उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेना है तो ये सारी चीजें जो है आप एचआर एनाल्टिस का यूज करके कर सकते हैं क्लियर तो एच आर एनालिटिक्स को आप दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एच आर एनालिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिस यूज टू एग्जामिन एच आर डेटा एंड परफॉर्मेंस यानी एच आर से रिलेटेड डेटा और परफॉर्मेंस को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है क्यों किया जाता है एज अ वे टू गेन इनसाइट्स यानी कि नई नॉलेज और डीप नॉलेज पाने के लिए एंड मेक डेटा ड्राइविड डिसीजन यानी कि यहाँ पर डिसीजन अंदाजा लगा के या गेस करके नहीं है डेटा बेस्ड डिसीजन ले रहे हो यानी कि पास्ट में जो हुआ था उसके बेसिस पे जो है आप जो है डिसीजन मेकिंग्स लेते हो कैसे से रिलेटेड डेटा को एग्जामिन करते हो और नए इनसाइट्स न्यू नॉलेज और डीप नॉलेज आपको एचआर से रिलेटेड मिलती है और उसके बेसिसन मेकिंग करते हो जिससे कि आपकी एचआर परफॉर्मेंस क्या होती है वो इंप्रूव होती है क्लियर तो एचआरिटिस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एचआर क्या है कि यहां पर जो है एचआर से रिलेटेड डेटा को एनाल किया जाता है जिससे कि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है परफॉर्म कर सके क्लियर तो यहां पे डेटा माइनिंग स्कोर कार्ड डेटा एग्रीगेशन ये सारी टेक्निक्स जो है यूज किए जाते हैं तो जो एचआर है, है चार टाइप के होते हैं एक होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एक होता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एक होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और चौथा होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखिए डाय डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि डिस्क्राइब करता है यानी कि पहले क्या हुआ था आज क्या हो रहा है दैट्स इट यहाँ पे क्या है डिस्क्राइब करता है डायग्नोस्टिक में क्यों हुआ था जो चीज़ हुई है आज हो रही है फिर पहले हुई थी वो क्यों हुई थी डायग्नोस करना प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रिडिक्ट मतलब कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है यानी कि जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा और करंट डेटा है उसके बेसिस पे क्या है आप ये अंदाजा लगा सकते हो आप ये जो है गेस कर सकते हो कि आगे क्या हो सकता है प्रिडिक्टिव और आगे क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रिस्क्राइब भी कर तो कि आपको ये चीज़ करना चाहिए। तो कि ये ना हो, करें कि आपको पता है कि तो ना हो, करें अब जो है आप प्रिस्क्राइब करोगे ऑर्गेनाइजेशन को कि जो है वो ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जिससे कि वो इंप्लॉई आपके यहां से छोड़ के ना जाए तो एनआरटी से डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक प्रिस्क्रिप्टिव एंड क्लियर तो एक, एक करके डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नाम से क्लियर है कि गिफ्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट हैज़ हैपेन्ड इन द पास्ट एंड व्हाट द करेंट इज़ यानी कि क्या पहले हुआ था और क्या अभी हो रहा है एच से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड तो वही चीज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है नाम से डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना डिस्क्राइबिंग और समराइजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा यूजिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स टू बेटर अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन और वॉट हैज़ हैपन ंड क्या चल रहा है और क्या हुआ था उन सबको जो एनालाइज करता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो टेक अ क्रिटिकल लुक एट योर करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस यानी कि करंटली आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर जो है आपको एक लुक देता है हेल्प्स टू नो टर्न ओवर रेट टाइम टू फिल कॉस्ट ऑफ हायर एस्टक्चर यानी कि यहाँ पे क्या है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज करते हो तो आपको पता चलता है कि टर्न ओवर रेट कितना है कितना पहले था कितना आज है कब जो है हमें रिक्रूटमेंट करना है ये कॉस्ट ऑफ हायर यानी कि रिक्रूटमेंट करने की कॉस्ट कितनी आती है अभी क्या आ रही है बाद में क्या पहले क्या आती थी ये सारी चीजें जो है आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से पता चलती है तो यहाँ पर डेटा एग्रीगेशन डेटा माइनिंग इसको कार्ड और भी बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्लियर नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक एनालिसिस एनालिसिस यानी कि यहाँ पे आपको रीजन फाइंड आउट करना होता है कि क्यों हुआ था पहले जो हुआ था और जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है या क्यों हुआ था गिव्स मोर क्रिटिकल लुक इन टू पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ बिजनेस एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई द इशू हैव ऑकड एंड ऑल द रीजन बिहाइंड इट यानी कि क्यों वो घटना घटी क्यों कोई इंप्लॉय छोड़ के गया क्यों इंप्लॉय टर्न रेट ज्यादा थी या फिर ज्यादा है और उसके पीछे रीजन क्या है वो सारी चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करता है कौन डायग्नोस्टिक एनालिसिस और जब आपको पता चलेगा कि क्या रीजन है कि क्यों जो है है छोड़ के जा रहा है, कि सैलरी कम है या फिर वर्किंग आवर्स ज्यादा है तो इसके बेसिस पे आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि आगे चल के सैलरी को बढ़ा सकते हो या फिर वर्किंग आवर को कम या ज्यादा कर सकते हो तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस ये रीजन को फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करता है टेल वाई सच अ थिंग हैज हैपेंड एंड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टेजाइज टू इंप्रूव योर बिजनेस यानी कि उसके फाइंडिंग के बेसिस पे जहां पे आप जो है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम है या फिर इंप्लॉयज डिससेटिस्फेक्शन या फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उससे रिलेटेड डिसीजन आप जो यहां पे ले सकते हैं तो यहां भी डेटा माइनिंग डेटा डिस्कवरी ड्रिल ड्राउंड को रिलेशन इन सब टेक्निक्स का जो है यहां पे यूज किया जाता है किसमें डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एटिक्स एनालिटिक्स नाम से क्लियर है यहाँ पे क्या है प्रिडिक्शन कर रहे हो आप फ्यूचर्स के बारे में बता रहे हो तो यहां पे क्या होता है कि जो पास्ट और प्रेजेंट डेटा है उसका यूज करके जो है आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है परफॉर्मेंस बढ़ेगी या घटेगी एम्प्लॉय टर्न बढ़ेगा या घटेगा या फिर आगे चल के कौन एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला है तो यूज करेंट एंड हिस्टोरिकल डेटा टू मेक फ्यूचर प्रोडिक्शन है उसके बारे में आपको जो है ये है ये एनालिटिक्स बताता नीड डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट टू करेक्टली एग्जीक्यूट एनालिटिक्स यानी कि कि जो एनालिसिस है फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको एनालाइज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग की यूज होती है और ये आपको जो है डिटेल रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है कि क्या हो सकता है आगे आपके साथ फ्यूचर में प्रीवियस और करंट डेटा के बेसिस पे नेक्स्ट है दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब करेगा आपको मॉडल बताएगा मॉडल देगा और आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप क्या करें जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी जिससे कि इंप्लॉय टर्न कम होगा है तो हेल्प टू मेक मॉडल्स दैट विल हेल्प टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस यहां पे क्या होगा कि आपको ये इस तरीके का मॉडल डेवलप करके देता है जिससे कि आप एक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं एंड मेक रियल टाइम चेंजेस दैट विल गिव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यहां पे क्या होता है कि आपको जो है प्रिस्क्राइब करेगा और आप जो है रियल टाइम में वो चेंजेस कर सकते हो जैसे कि आपका रिजल्ट आपकी परफॉर्मेंस या इंप्लॉय टर्नो कम होगी ऑल्सो प्रोवाइड्स रिकमेंडेड एक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम द एचआर यानी कि जो भी एचआर का रिजल्ट पहले रहा है उसके बेसिस पे जो है आपको रिकमेंडेशन भी देगा कि आपको क्या करना चाहिए तो ये रिकमेंडेशन इंजन करके एक जो है

हैं जिसका आंसर आपको जो है एचआर के थ्रू ही पता चलता है जैसे फिगर आउट द रीजन बिहाइंड ए ए हाई हाई इन सर्टेन टीम टीम यानी कि किसी टीम में बिहाइंडीम क्यों है एक लोग ज़्यादा छोड़ के क्यों जा रहे हैं इसको फाइंड आउट करना है वाई इज द टॉप टैलेंट क्विटिंग एट ए हायर रेट देन अदर यानी कि जो टॉप टैलेंट लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वही ज्यादातर क्यों छोड़ रहे हैं बाकी लोगों से हाउ टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ ए टीम किसी टीम की प्रोडक्टिव इंप्रूव करना है तो कैसे किया जा सकता है स्किल गैप जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे फिल किया जाए प्रिडिक्ट राइट पीपल टू हायर फॉर ए स्पेसिफिक रोल यानी कि कैसे हम जो है किसी इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल को कैसे आ, उसके लिए जो है राइट right पीपल को हायर कर सकते हैं या फिर हम हम एट्रिशन रेट रेट को कैसे कम तो कैसे कम कम कर कर सकते सकते हैं हैं एट पीपल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन तो उसको द परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम एक्चुअली रिफ्लेक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस यानी जो भी हमारे यहां परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम है क्या वो एक्चुअली में इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप एचआर एनालिस का यूज करके कर सकते हैं तो अगर हम इनडायरेक्टली बोले तो ये क्या होता है इंप्रूव हायरिंग यानी कि अगर आप हायरिंग में इंप्रूवमेंट लाना है अच्छी हायरिंग करनी है तो एचआर यूज करना चाहिए रिड्यूस्ड एट्रीशन एट्रिशन है कि किस रेट से आपके यहां पे इंप्लाई छोड़ रहे हैं तो उसको कम करेगा जब आपको पता चलेगा कि रीजन क्या है रिलेटेड तो डिसीजन मेकिंग करेंगे और जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो जो एट्रिशन रेट है क्या होगा वो रिड्यूस होगा इम्प्रूव एक्सपीरियंस यानी कि जो एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा प्रोडक्टिव वर्कफोर्स फोर्स यहाँ पर क्या होगा कि जब सही तरीके से आप डिसीजन मेकिंग लेंगे सही उनको जो है इनकम मिल रहा है सही उनको जो है इन्वामेंट मिल रहा है सही वर्किंग आवर है तो उनका प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा बढ़ेगा इम्प्रूव प्रोसेस जो प्रोसेस है एच का वो इम्प्रूव होगा और फाइनली गेन ट्रस्ट एक ट्रस्ट भी जो है एम्प्लॉय का गेन होता है तो यानी कि ओवरऑल जब एच आर का यूज़ करके जब एच से रिलेटेड आप डिसीजन मेकिंग लेंगे तो एच की परफॉर्मेंस जो ह्यूमन से आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ये एच आर होता है एच आर मैट्रिक्स एंड एच आर एनालिटिक्स यानी कि एच आर मेट्रिक्स क्या है और एच आर एनालिटिक्स कैसे एच आर मैट्रिक्स का यूज़ करता है देखिए मेट्रिक्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड या फिर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि किसी चीज को मेजर करने का सिस्टम या रूल जैसे अर्निंग पर शेयर हो गया ई बी आई टी हो गया नेट इनकम हो गया या एफिशियंसी लिक्विडिटी रेशियो लेवरेज रेशियो इन सबको मेजर करने का तरीका होता है ठीक है तो एच आर मैट्रिक्स क्या हो गया एच आर मैट्रिक्स आर द मेजरमेंट यूज टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस एंड एफिसियंसी ऑफ एच आर पॉलिसीज तो यहाँ पर क्या होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा होते हैं उनको कंपेयर करके जो आप रिजल्ट लेके आते हैं उसी को एचआर मैट्रिक्स कहा जाता है तो मैट्रिक्स हेल्प कंपेयर डिफरेंट डेटा पॉइंट जो मैट्रिक्स है वो हेल्प करते हैं किसको दो डिफरेंट डेटा को कंपेयर करने के लिए किससे रिलेटेड एचआर पॉलिसी से रिलेटेड तो वही चीज क्या कहलाती है एचआर मैट्रिक्स कहलाती है तो एचआर मैट्रिक्स कुछ नहीं है एचआर से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उनको कंपेयर करके जो है उनमें से कुछ कंक्लूजन निकालना ही क्या कहलाता है एचआर मैट्रिक्स कहलाता है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर तो पर समझिए

फाइव परसेंट और सेवन पॉइंट फाइव परसेंट क्या है डेटा है एक डेटा क्या हो गया लास्ट का, लास्ट का का ईयर हो गया टर्न ओवर थी एक डेटा इस साल का हो गया सेवन पॉइंट फाइव परसेंट थी इन दोनों को कंपेयर किया हमने देखा कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ तो फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हुआ तो ये चीज क्या आ गया ये मैट्रिक कहलाता है क्लियर तो मैट्रिक क्या है मेजरमेंट्स है जो कि डिटरमाइन करती है इफेक्टिवनेस को इफिसियंसी को किस चीज की एचआर पॉलिसीज की तो इसी को एचआर मेट्रिक कहते हैं यानी कि से से के डेटा रिलेटेड जो है यहां पर मेट्रिक यूज किया जाता है मेजरमेंट किया जाता है तो मैट्रिक डोंट से एनीथिंग अबाउट ए कॉज यानी किसेंट से नहीं बताता, है। ये, नहीं बताता है। ये सिर्फ आपको ये बता देगा कि इतने परसेंट से इंक्रीज हो गया इतने परसेंट से डिक्रीज हो गया या फिर ये चेंजेज हुआ है ठीक है ये बताएगा लेकिन क्यों हुआ है ये नहीं बताएगा दे जस्ट मेजर द डिफरेंस बिटवीन है। ये सिर्फ नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उनको मेजर करता है पाँच परसेंट से साढ़े सात परसेंट हो गया तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ फिफ्टी परसेंट का इंक्रीज हुआ तो ये जो है सिर्फ इसको मेजर करता है matrix, लेकिन का use, में होता है। अब एच आर एनालिटिक्स आपने पहले ही देख लिया वहां पर क्या होता है कि वहाँ पर स्टेटिस्टिकल टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है जिससे का यूज करके हम डेटा को जो एच से रिलेटेड डेटा होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं जिससे कि हमें डीप नॉलेज और फर्दर न्यू नॉलेज जो है हमें मिलती है और जिसका बेसिस पे हम जो है स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेते हैं अब जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए कि आपको पता चला कि पांच परसेंट से साढ़े सात परसेंट हो गया एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि पचास परसेंट से इंक्रीज कर गया है एम्प्लॉड टर्न ओवर अब यहां पर इस चीज़ का यूज करके जो है आप ये पता कर सकते हो कि एम्प्लॉय टर्न ओवर क्यों हुआ है एच आर एनालिटिक्स में कि ये एम्प्लॉय टर्न ओवर क्यों हुआ है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तो दैट इज एच आर एनालिटिस तो एच आर मैट्रिक्स क्या हो गया सिर्फ डेटा को कंपेयर करता है और बताता कि कि है कि कितना चेंज हुआ है कितना कम हुआ है कितना ज़्यादा हुआ है हुआ है, लेकिन एचआर उस एचआर मैट्रिक्स का यूज करके फाइंड आउट करता है कि रीजन क्या था उसके पीछे और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर वो निगेटिव में जा रहा है तो तो एच आर एनालिटिक्स मेजर्स वाई समथिंग इज हैपनिंग यानी कि कोई चीज क्यों हो रही है एंड व्हाट द इंपैक्ट इज ऑफ यानी कि जो चीज हो रही है उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है इस चीज को जो है वो मेजर करता है कौन एच आर एनालिटिक्स क्लियर तो एच आर एनाटिक्स ये फाइंड आउट करता है कि क्यों हो रहा है और उसका रीजन क्या है और उसके बेसिस में हम क्या डिसीजन ले सकते हैं कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं और एच आर मेट्रिक्स सिर्फ डेटा को कंपेयर करता है क्लियर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक ओपिनियन था ओपिनियन क्या था कि आई फील लाइक ए लॉट ऑफ पल आर इल दिस मंथ यानी कि ये मानना है एचआर एचआर मैनेजर का कि इस महीने जो है ज्यादातर लोग जो है बीमार हैं ठीक है ठीके? ठीक तो अब यहाँ पे क्या आया डेटा निकल के आया डेटा क्या मेजर किया कि एबसेंस लेवल आर एट ट्वेल्व परसेंट दिसमेंट यानी कि इस महीने जो है एबसेंट होने का जो रेट है वो बारह परसेंट है यानी कि बारह परसेंट तक जो एम्प्लॉय है वो एब्सेंट हो रहे हैं क्लियर तो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा यहाँ पे अब मैट्रिक्स क्या है कंपेयर करते हैं दो डेटा पॉइंट को तो एक डेटा पॉइंट तो आपके पास आ गया कि इस महीने बारह लोग हैं अपसेंट लेवल है तो मैट्रिक्स क्या होगा कि जो एवरेज होता है एवरेज से हमने कंपेयर किया हमें पता चला कि फोर्टी हायर जो है लीव का है यानी कि रेट है तो दिस मंथ एबसेंस इज फोर्टी परसेंट हायर देन एवरेज यानी कि जो एवरेज एब्सेंस रेट होता था उससे चालीस परसेंट ज्यादा एबसेंस रेट जो है इस मंथ है यानी कि बारह परसेंट है तो ये मैट्रिक्स निकल के आ गया कि चालीस परसेंट जो है एबसेंस होने की रेट हाई हो गई तो अब एनालिटिक्स आएगा अब क्या आएगा एनालिटिक्स एनालिटिक्स क्या आएगा बिकॉज ऑफ द फ्लू इलनेस इज सिग्निफिकेंटली हायर दिस मंथ यानी कि इस महीने जो फ्लू इलनेस थी यानी फ्लू की बीमारी थी फ्लू की वजह से लोग ज्यादा बीमार हुए हैं इस वजह से जो है एबसेंस लेवल ज्यादा हो हो रही है तो इनसाइट यानी कि इससे नॉलेज क्या निकल के आई कि मे मेबी शुड वैक्सीनेट एम्प्लॉय अगेंस्ट द फ्लू यानी कि यहां पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करता है कि हमें जो है फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाना चाहिए एम्प्लॉय का जिससे कि एब्सेंट लेवल कम हो क्लियर तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि एबसेंट लेवल बढ़ रहे थे यानी कि एम्प्लॉय ज़्यादा एबसेंट हो रहे थे तो ये पता किया गया कि अच्छा लगता है कि शायद फ्लू हो रहा है इसी वजह से एबसेंट हो रहे हैं तो डेटा निकल के आया कि 12 परसेंट लोग जो है इस महीने 12 परसेंट तक जो है लोग एबसेंट हुए हैं और जो एवरेज होता है वो कुछ समथिंग था तो जब कंपेयर किया गया जो एवरेज से और जो इस मंथ के एबसेंस लेबर से तो पता चला कि फोर्टी परसेंट हायर एब्सेंसीज हैं तो इस पर एटिक्स ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं फ्लू के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं इस महीने तो अब उस पर क्या डिसीजन मेकिंग हुई वैक्सीनेशन करवानी चाहिए एम्प्लॉय के तो दैट इज एनालिटिक्स तो एचआर एनालिटिक्स जो है एचआर मैट्रिक्स का यूज करता है डिसीजन मेकिंग्स के लिए इंसाइट के लिए तो एनालिटिक इज अ वे टू जनरेट इंसाइट फ्रॉम डेटा एंड मैट्रिक्स तो डेटा था हमारे पास कि 12 परसेंट जो एम्प्लॉई हैं वो इस बार जो है एबसेंट हुए मैट्रिक्स निकल के क्या आया कि 40 परसेंट जो है एबसेंस में इंक्रीज़ हुआ है इन दोनों का यूज़ करके हमने जो है उसका रीज़न निकाला और रीजन के बाद हमने उसका सोल्यूशन भी निकाला तो दैट इज़ एच एनालिटिक्स ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर डेटा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसको स्टोर किया जाता है उसको जो है कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ़्टवेयर के जरिए जो है इसको प्रोसेस करके जो है उनमें से इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को उस नॉलेज को जो है एज अ डिजिटल प्रोडक्ट जो है अलग अलग जगह पर उसको शेयर किया जाता है लोगों से शेयर किया जाता है जो कि डिसीजन मेकिंग लेते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ना कोई आपके पास डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस आप डिसाइड करोगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम यही करता है कि इनफॉमेशन सिस्टम अलग अलग फील्ड से क्या करेगा डेटा को कलेक्ट करेगा उसको जो है स्टोर करेगा उसको प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर का यूज़ करके और फिर आपको जो है इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग्स और बिजनेस को रन किया जाता है तो यही चीज इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में पांच इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको मिलकर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार होता है कौन कौन से हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेस नेटवर्क और पीपल इन पांचों का कॉम्बिनेशन ही इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाता है भाई हार्डवेयर जहां पे आप सॉफ्टवेयर को रन करोगे जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा डेटाबेस यानी कि कहां कहां से डेटा आप जो है ले रहे हो नेटवर्क यानी कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी और पीपल जो लोग डेटा को फीड करेंगे जो लोग डेटा को यूज करेंगे तो ये जो है पांचों लोग मिलकर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम तो क्या करता है इट कलेक्ट स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट टू द डिसीजन मेकर्स वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं उनको जो डेटा चाहिए होता है वो डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है उसको स्टोर किया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन नॉलेज और डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो डिसीजन मेकर्स को दिए जाते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्लियर हुआ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा नेटवर्क को पीपल को मिलाकर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है और और डेटा को प्रोसेस किया जाता है उसको जो है कम्युनिकेट किया जाता है तो एच आर आई ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो जाएगा एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाता है उसको जो है प्रोसेस किया जाता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो डिसीजन मेकर्स को दिए जाते हैं तो वही चीज क्या एच आर आई एस यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ये क्या हो गया ए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दैट मेंटेन्स मैनेज एंड प्रोसेस डिटेल्ड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर तो क्या हो गया वो एच आर आई एस यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो कि मेंटेन करता है मैनेज करता है और प्रोसेस करता है एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है पॉलिसी होती है प्रोसीजर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड डेटा को जो है वो क्या करता है मेंटेन करता है मैनेज करता है और प्रोसेस करता है और जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो होते हैं उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करता है तो वही चीज एच आर

बट अब बात है कि आपके पास क्या होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा यानी कि सॉफ्टवेयर होगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आप क्या करोगे डेटा इनपुट करोगे ना ठीक अब डेटा ऑटोमेटिक तो इनपुट हो नहीं जाएगा डेटा इनपुट किया जाएगा वो कौन करेगा पीपल करेंगे जैसे एम्प्लॉइज रिलेटेड डेटा हो गया प्रोसीजर और पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है उससे रिलेटेड डेटा हो गया और वो कहा जाता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जाता है अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो है अलग अलग जो है प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होते हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करता है वो डेटा को प्रोसेस करता है तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर तो जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हो डेटा को प्रोसेस कर लेते हो तो क्या आएगा आउटपुट आएगा यानी कि एम्प्लॉय रिपोर्ट्स निकल के आते हैं और उस एम्प्लॉय रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं कि कब कहाँ किसको क्या ट्रेनिंग देनी है क्या कंपनसेशन देना है क्या रोल चेंज करना है क्या उसको लीडरशिप देनी है क्या मोट मोटिवेशन देना है तो अलग अलग जो भी डिसीजन मेकिंग्स होते हैं एच से रिलेटेड वो जो है इसके बेसिस पर लिया जाता है तो एचर आई ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम यही होता है कि इन्फॉमेशन सिस्टम यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसमें डेटा को इनपुट किया जाता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है प्रोसेस करता है डेटा को और जो है डिफरेंट डिफरेंट इंप्लॉइज रिलेटेड रिपोर्ट्स जनरेट करता है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग्स करते हैं क्लियर तो अब ये जो डेटा है यानी कि जो हम डेटा इनपुट करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में वो डेटा कहा कहां कहां से आ सकता है एचआरआईएस के केस के में ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के केस में डेटा कहां कहां से आ सकता है यानी कि डेटा सोर्सेस क्या हो सकते हैं क्लियर तो सबसे पहली चीज रिक्रूटिंग देखिए जब भी कोई कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी करती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एप्लीकेशन अपना जो है सीवी जो सी या रेज्यू हो गया वो सबमिट करते हैं तो उस सी और रेज्यू में भी बहुत सारे डेटा होते हैं तो वो आप जो है एच में फीड कर सकते हैं क्लियर जिनका सिलेक्शन हुआ उनका तो होता ही है साथ ही साथ जिनका रिजेक्शन हुआ उनका भी डेटा वहां पर होता है यहां पर क्या होता है रिक्रूटिंग यानी कि सभी लोगों का जितने लोगों ने अप्लाई किया सबका डेटा आप पा अपने पास सेव करे लिए हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहिए होगा जो अप्लाई किया था आप उसको कॉन्टेक्ट करके उसको जो अपने यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं क्लियर तो रिक्रूटिंग से रिलेटेड डेटा डेमोग्राफिक डेटा यानी कि जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय हैं उनके बारे में डेटा जैसे एम्प्लॉई आईडी उनका नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ रेजिडेंस डिपार्टमेंट ये सारी डिटेल्स जो है एम्प्लॉई के बारे में जो है डेमोग्राफिक डेटा उसको जो है आप इसमें एच आर में रख सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं रेटिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड डेटा की कौन सा परफॉर्मेंस किस इंप्लॉय का परफॉर्मेंस इस महीने में बेस्ट था किस महीने में किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कम था किसी महीने में कोई सेल्स मैनेजर होता है कि कोई सेल एम्प्लॉय होता है उसने एक लाख का सेल दिया किसी दूसरे महीने में किसी दूसरे एम्प्लॉय ने दो लाख का सिले तो ये सारे रिलेटेड जो है यहाँ पे सेव किए जाते हैं रिव्यूज अलग अलग जो है रिव्यूज दिए जाते हैं कि हाँ बताइए आपका क्या कहना है आपके अपने पीयर्स के बारे में आपका क्या कहना है सबॉर्डिनेट्स के बारे में तो ये सारे डेटा जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो डेटा होता है वो आप जो है एच आई में रखते हैं लर्निंग मैनेजमेंट यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कोई सेशन हो गया कोई वेबिनार हो गया या फिर कोई जो है सेमिनार हो गया तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं जॉब आर्किटेक्चर यानी कि पोजीशन क्या है एम्प्लॉय का रोल क्या है फंक्शंस क्या है ड्यूटी ड्यूटीज़ क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या परफॉर्म करनी होती हैं कौन किसका रोल है किस जॉब के लिए क्या क्या जो है जैसे एच मैनेजर है तो उसकी क्या जॉब होगी उसका क्या रोल होगा उसका क्या फंक्शन होंगे या कोई दूसरा एम्प्लॉई है तो उसकी क्या रोल फंक्शन होगी ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टोर की जाती हैं इसी तरीके से कंपनसेशन एंड बेनिफिट यानी कि बेसिक पे टी ए डी एच आर ए किस एम्प्लॉय का कितना है कि उसको कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं ये सारी चीज़ें मेडिकल फैसिलिटीज़ एक नहीं है वो सब चीज़ें रिलेटेड डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाता है ससेशन प्लानिंग यानी कि लीडरशिप डेटा तो एच आर आई एस में क्या हो सकता है कि जो इंप्लॉई हैं उनकी लीडरशिप से रिलेटेड डेटा जो है आप जब स्टोर करके रखोगे और आपको सपोज के एच आर मैनेजर के लिए बेस्ट ढूंढना है कि कौन हो सकता है जो एच आर मैनेजर की पोस्ट को हैंडल कर सकता है तो आप लीडरशिप डेटा के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय जिसको आप जो है लीडरशिप या एच आर मैनेजर की पोस्ट दे सकते हैं जब एच आर मैनेजर की पोस्ट खाली होगी तब तो सक्सेस प्लानिंग एग्जिट इंटरव्यू बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉज होते हैं जो आपका कंपनी छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो क्यों जा रहे हैं एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है एग्जिट इंटरव्यू यही होता है कि वो क्यों छोड़ के कंपनी आपको जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो बातचीत करते हैं उनसे तो इससे क्या पता चलता, आपको? पता चलता है आपको कारण रीजन पता चलेगा क्यों छोड़ के गए और इससे आगे चल के कोई एम्प्लॉय उस वजह से छोड़ के ना जाए उसको जो है आप मैनेज कर सकते हो तो एग्जिट इंटरव्यू इससे रिलेटेड डेटा अगर आप एचआरआईएस में रखेंगे तो एचआरआईस उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन नॉलेज जनरेट करके देगा रिपोर्ट जनरेट करके देगा और उसका यूज जो है किया जा सकता है कि एम्प्लॉय टर्न को रिड्यूस किया जा सके तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं जो कि एचआरआईएस में सेव किया जा सकता है इसके अलावा जैसे बिजनेस डेटा हो गया फाइनेंशियल डेटा हो गया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा हो गया सेल्स से रिलेटेड हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डेटा हो गया ये भी जो है आप एच आर आई एस में रख सकते हैं इसके अलावा कोई एम्प्लॉय ट्रेवल करके गया किसी ट्रैवल करके कोई वेबिनार या सेमिनार अटेंड करने गया तो उससे रिलेटेड डेटा सर्वे कोई कंडक्ट किया गया एम्प्लॉय से रिलेटेड उसको आप जो है एच आर आई एस रख सकते हैं अपसेंस कौन सा एम्प्लॉय किस महीने कितना अपसेंट है कितना प्रेजेंट है उससे रिलेटेड डेटा किसने कितनी छुट्टी ली है उससे रिलेटेड डेटा वेलनेस डेटा यानी कि कौन सा एम्प्लॉय कितना फिट है कितना फिट नहीं है क्या बीमारी है उससे रिलेटेड डेटा जो है आप एच आर आई एस रख सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग्स ले सकते हैं अब सपोज आप किसी को अस्थमा है और आपको जो है किसी ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिक्कत हो सकती है तो उसको उचित नहीं होगा तो करता है तो अगर एच आर आई एस यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड डेटा को सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है एचआरआईस सिस्टम का ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो लार्ज डेटा होता है डिफरेंट डिफरेंट इंप्लॉयज़ के बारे में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनकी कंपनसेशन के बारे में उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से उस इफॉर्मेशन सिस्टम से इम्प्रूवड मैंटरिंग एंड कंट्रोल ओवर ह्यूमन रिसोर्सेज तो यहाँ पर क्या है कि आप आसानी से मैंटर कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या एलिजिबल है क्या परफॉर्मेंस है और ह्यूमन रिसोर्स को आसानी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इंप्रूवड डिसीजन मेकिंग जब आसानी से आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी रिसोर्सेज डेटा अवेलेबल होंगे सभी इंप्लॉय के बारे में और आप उसको कहीं भी कहीं भी और कभी भी जो है एक्सेस कर सकते हो तो आप डिसीजन मेकिंग जो है सो इंप्रूव होगी रिड्यूस लेबर कॉस्ट इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स देखिए हाथ से जब रजिस्टर से डेटा बनाते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है बहुत सारे जो है फिजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मैनेज करते हैं तो कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी लेबर कॉस्ट कम होगा और रिकॉर्ड्स जो पेन uh, पेंसिल pen, और जो बुक्स चाहिए होती हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट क्या होगी कम होगी रिड्यूस एरर इन डेटा यहाँ पर क्या हो डेटा में एरर के भी चांसेस क्या होते हैं कम हो जाते हैं तो ये अलग अलग इम्पॉर्टेंट्स हैं किसके एच आर आई एस यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है जैसे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जरूर चाहिए होगी ये लिमिटेशन आप कह सकते हैं कि एच आर आई एस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए इंप्लॉई को तो तभी जो है आप डेटा को सही से इनपुट कर पाएंगे उसको प्रोसेस करके उससे जो है एक रिकॉर्ड्स जो है जनरेट कर पाएंगे आउटपुट जनरेट कर पाएंगे और उसको सही तरीके से प्रेजेंट भी कर पाएंगे क्योंकि डेटा को अगर सही तरीके से इफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया बार डायग्राम पाई चार्ट टेबल के फॉर्म में तो वो फिर कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देगा नहीं तो इस चीज के बारे में वहां पे एम्प्लॉय को नॉलेज होनी चाहिए तो एस यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके एचआर से रिलेटेड डेटा को कैसे मैनेज किया जाना है कैसे उससे जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है और उसका यूज करना है डिसीजन मेकिंग में वही चीज एस होती है विशो ऑल